बीडीसी रामपुर के नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ लेने के साथ साथ ही अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए भी कश्मकश तेज हो गई है। बीडीसी का अध्यक्ष का पद इस बार भी अनारक्षित है। एसडीएम रामपुर ने बताया कि बीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव 4 फरवरी को 11:30 बजे करवाए जाएंगे। इस बारे में सभी को पत्र द्वारा सूचित भी कर दिया जाएगा। बताते चले कि बीडीसी का अध्यक्ष पद कांग्रेस को मिलना लगभग तय है, पर अभी कांग्रेस में भी इस पद को लेकर खींचातानी शुरू हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक कई लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। असली तस्वीर शीघ्र सामने आ जाएगी। आज जो हमारी पंचायत समिति रामपुर है, इसके जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, उनको लिए आज हमने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रखा था। सभी यहाँ पर जो 18 पंचायत समिति के नवनिर्वाचित सदस्य हैं, उनको शपथ दिलाई गई है। सभी सदस्य उसमें उपस्थित हुए, तो मैं सभी नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनता ने जो उनसे उम्मीदें लगा रखी हैं उस पर वो खरा उतरेंगे और अपने इलाके में, अपने पंचायत समिति क्षेत्र में विकास में अपना योगदान देंगे। ये सर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कब होगा? उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन होना है वो विद इन 7 डेज होता है आफ्टर ओथ, तो हमने 4 तारीख निर्धारित की है, 4 फरवरी ठीक 11:30 बजे ये प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए रामपुर से रमेश शर्मा।